कैसे लगती हैं? है जरूर किसी ने कोई शरारत की होगी। हटो जरा, मैं साइकिल देखूं। ये देखो मिल गया सबूत। ये तुमसे जरूर किसी ने दुश्मनी की है। कौन था, उसकी शक्ल देखी तुमने? नहीं, शक्ल नहीं देख पाया ना। जहां तक मेरा ख्याल है, तुम तो बड़े अच्छे खिलाड़ी हो। जिंदगी में कभी नहीं हारे। क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ तुमसे? मामू, आपको तो पता है, अगर ये राउंड में जीत जाता तो नईम की एंट्री हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती कराटे क्लब में। और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी बच्चे का दिल टूट जाए। बस मेरे जमीर ने गवारा नहीं किया और मैं राउंड हार गया। हेलो शमशेर, मैं पाकिस्तान पहुंच चुकी हूँ। अब देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कौन रुकावट बनता है। देखती हूँ कि यहाँ के बच्चे कैसे तालीम हासिल करते हैं। छोड़ो यार, तुम क्या हर वक्त मोबाइल पर गेम खेलते रहते हो? बस एक राउंड हो रहा है। मोबाइल पर गेम खेलने का क्या मज़ा, असल मज़ा तो ओरिजिनल रेस में है। हम तुम्हारी तरह अमीर थोड़ी है जो ओरिजिनल रेस करें। छोड़ो यार इन बातों को और चलो मेरे साथ। किधर? बाइक के मैकेनिक के पास। मैकेनिक के पास? पिछले वीक तो तुमने बाइक परचेज किया। बाइक को कुछ नहीं हुआ, बाइक के अल्ट्रेशन करवाएंगे। अल्ट्रेशन? वो क्या? बाइक का मडगार्ड निकलवाएंगे, सीट चेंज करवाएंगे, रिंग, पिस्टन, सिलेंडर सब चेंज करवा देंगे। दिमाग तो ठीक है, पागल हो गए हो क्या? यार तुम कितने मासूम हो। जब हम इसका सब चेंज करवा देंगे तभी तो ये रेस के काबिल होगी, और फिर उसके बाद तुम देखना ये बाइक हवा में उड़ेगी। हाँ, और इसके साथ तुम भी हवा में उड़ जाओगे। यार मैं कितनी देर से अपने घर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उफ़ यार, मैं तो भूल गया, कल तो फिजिक्स का टेस्ट है। हाँ ना। चलो नहीं, तुम भी चलो कंबाइन स्टडी करते। अरे यार मैं नहीं आ रहा, मैंने बाइक अल्ट्रेशन करवानी है। अल्ट्रेशन? हाँ यार, इसने वो बाइक के पिस्टन वगैरह और पूरे डिजाइन चेंज कर दिया। दिमाग खराब हो गया क्या इसका? इट्स वेरी डेंजरस यार। नहीं स्टॉप यार मानी, अब तो मुझे लेक्चर देने में बैठ जाना। सुनो तो। अरे नहीं यार मैं तो चला। अरे सुनो तो। अरे नहीं यार मैं। दिमाग खराब हो गया। फैसल तुम्हें पता है, इंजीनियर्स की सालों मेहनत के बाद इस बाइक को डिजाइन में लाया गया था। अगर हम इसके पार्ट्स वगैरह चेंज करेंगे या फिर इसके इंजन को हल्का करने की कोशिश करेंगे तो उसकी रोड ग्रिप बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ ये बात तो है। मैं तो कहता हूँ आजकल के बच्चों को और नौजवानों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसलिए तो मैं मोबाइल पे गेम खेलता हूँ। छोड़ो यार इस मोबाइल रेसिंग को भी और चलो। बस एक उठो उठो चलो बस चलो, एक उठो यार चलो। मानी बेटा क्या हाल है? मैं ठीक ठाक अफजल अंकल, आप सुने? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो यार रोशन नजर नहीं आ रहा। रोशन अंकल को तो आपको पता है, लगता है घर के नौकर वो नहीं हम हैं। क्यों, आज फिर क्या कर दिया उसने? ये पूछे क्या नहीं किया, उन्होंने एक बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी। गुस्ताखी? मैंने समझा नहीं। हम लोग कराटे टूर्नामेंट के लिए गए, हमारे ग्रैंड मास्टर ने पूछा कि कौन क्लब के सबसे बेहतरीन लड़के से मुकाबला करेगा। रोशन अंकल ने अपना हाथ खड़ा कर दिया और अपना हाथ तोड़वा बैठे। बेटा चालाकी करेगा तो मुंह की खाएगा। हाँ मुंह की खाने से याद आया, आज किसी ने आप पे हमला किया? अरे नहीं अफजल अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है किसी ने शरारत कर दी। बस बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी। हेलो जी सर। यस सर। सर बस मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ।
ओके सर, मानी बेटा मुझे जाना होगा। अफजल अंकल घर तो आए, चाय तो पी के जाए। नहीं बेटा अब चलता हूँ। रोशन दो चाय। अरे क्या बात है सिस्टर, कुछ परेशान दिखाई दे। क्या बताऊं खोजी भैया, सुबह सुबह वन व्हीलिंग से बच्ची की डेथ की न्यूज देखी है। आप यकीन जाना मैं तो इतनी परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि कैसा खेल है, किस तरह का शौक है कि बच्चों की जान ले रहा है, लेकिन फिर भी न पेरेंट्स मना करते हैं न बच्चों को सब्र होता है। ओ कमान सिस्टर, अब यहां बैठते हैं, मैं समझाता हूं। वो दरअसल बात कुछ इस तरह है, पता है सिस्टर ये आजकल के बच्चे क्या चाहते हैं? एक्शन चाहते हैं, थ्रिल चाहते हैं, एडवेंचर चाहते हैं, और ये खुल के जीना चाहते हैं। खोजी भैया अभी आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा स्टाइल है। उफ, रोशन की हरकतों ने और आपके स्टाइल ने मुझे परेशान कर दिया। यानी कि तुमने कसम खाई है कि आज मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी। खोजी भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मैं माँ हूँ, मेरा बेटा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर कोई फैसिलिटी ही नहीं है। अब बाहर के ममालिकों को देख रहे हैं, वहाँ पर होती है रेसिंग, होती है सब कुछ होता है, लेकिन बाकायदा एक माहौल दिया जाता है, सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, और पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो फिक्र हो रही है कैसा ना मानी मुझसे ऐसी कोई डिमांड करे। पा 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 पाड़ी का बलबला, पा 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 मी सा 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 नी। जल्दी से चाय ले, ऐसा ना हो किससे पहले ये गिरा दे। माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज है आपकी। उफ कोजी भैया चुप करे भी शुरू हो जाएगा। इधर ही हैंग रहोगे, बाकी कोई काम भी करोगे।
मुलाजा, होशियार, खबरदार, शहंशाह मुअज्जम इस दरबार आली में तशरीफ ला रहे हैं। रोशन वही कितना सोना लग रहा है ये, वही कपड़े मैंने कितने सोने लग रहे हैं, ऐसे खूबसूरत है, कितने प्यारे कपड़े रखे हुए हैं इसने, देखो क्या कुछ रखा है इस जालिम ने। मुझे तो लगता है कहीं ये ड्रामो में काम करता है, ऐनक भी बड़ी सोनी है। अपना रोशन यार एक कप चाय ला दो। अरे ये मेरा चश्मा कहां से उठाया तूने? लग इधर तो निकल। मैं कहता हूं निकल निकल। अरे अरे निकल तेरा बेड़ा घर को मैं तुम्हारी 7 महीने की तनख्वाह काटता हूँ। आज नहीं है, ओए कम कर दे, कोई 2-4 महीने कम कर दे। सॉरी यार मजाक कर रहा था, ये मेरा स्टाइल है। वैसे यार चीजों की कीमत इंसानों की जानों से बढ़कर नहीं होती है यार। मैं तुम्हारे लिए नया चश्मा ला दूंगा, ठीक है? चाय बना दो। ठीक है, वैसे क्या स्टाइल है तेरा खोजी। ठीक है बना के ला रहा हूं। जी सर, अब सर एक बुरी खबर है। अब सर वो जो चश्मा आपने भेजा था ना, वो मेरे नौकर से टूट गया सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरा चश्मा आ रहा है। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ। ये तुम्हारे ऑफ रोडिंग और रेस का इनाम। क्या कह रहा था है? खोजी मामू क्या कह रहा था? अड्डू वंचर थ्रल है। अबे इन नौजवानों को क्या पता है कि थ्रिल और एडवेंचर होता क्या है? आज इनको रोशन बताएगा कि एडवेंचर होता क्या है। किधर है इसका किक? ये है इसका किक। ओए चल रोशन लगा। हो गया स्टार्ट। ओए
वेरी गुड नौजवानों, हिम्मत से काम लो। कोई एक्सीडेंट नहीं, जो हिम्मत करेगा वही हीरो होगा। जंगल में शेर से और शहर में शमशेर से बंगा इज नॉट चंगा। चलो। अंकल आप भी ना बच्चों वाली हरकतें करते हैं, क्या जरूरत थी रेसलिंग में जाने की, अब देखिए अपना हाल। तुमने इस मर्तबा पैसे नुमान पे लगाने हैं और तारीफ शहबाज की करनी है। कैसा खेल, खुलकर बताओ। बाबा इस खेल को कहते हैं मोटरसाइकिल रेसिंग, और वो क्या कहते हैं इंग्लिश में बाबा, वो ऑफ रोडिंग। हाँ, बहुत खतरनाक खेल है बाबा, इसमें बच्चों की जिंदगियों को दांव पे लगाया जा रहा है। वाह 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 वा, क्या इन्फॉर्मेशन दी है तुम लोगों ने नोमान के बारे में, कमाल कर दिया। अब तो ये नोमान का बच्चा गया। पता है आज मैं ऑफ रोडिंग वाली जगह पर गया था। मजा आएगा ना आपको? नहीं बेटा, मैं अपने काम से गया था, लेकिन वहाँ मैंने कुछ ड्रोन कैमरे देखे और कुछ खुफिया मकामात पर भी कैमरे लगी हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे वहाँ पर। वो क्यों खोजी मामू? इसी बात की समझ नहीं आ रही।